महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच फिर से लॉकडाउन की आशंका से मजदूरों में डर है। जहां मुंबई के सभी बड़े रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ नजर आ रही है, बड़ी तादाद में मजदूरों का पलायन जारी है। लोग अपने सामान और परिवार के साथ यहां डटे हुए हैं। स्टेशन में बिना रिजर्व टिकट के एंट्री नहीं मिल रही है। लॉकडाउन का डर है, इसके लिए हम लोग भी गांव चले जा रहे हैं। आए थे इधर काम कर रहे थे, पर काम मिला नहीं, वो काम से निकाल दिया। एक हफ्ता हुआ था, एक हफ्ते वो तो घर से पैसा मंगा के और फिर जो है घर पे जा रहे हैं। कौन सा काम करते थे? सिक्योरिटी का काम करते थे। कितना, कब से यहाँ मुंबई रह रहे? अरे रहे तो बहुत टाइम से रहे, लॉकडाउन में चले गए थे, फिर से जो है थोड़ा नॉर्मल हुआ तो रिटर्न आए हम लोग, और अभी ये दहशत की वजह से फिर से रिटर्न जाना पड़ रहा है। मेन एक ही वजह है, ये जो लॉकडाउन के लिए सस्पेंस चल रहा है कि सीएम साहब कल क्या बोल दें, संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा या हाफ लगेगा, कैसा क्या है। पब्लिक सब डरी हुई है, एक डर सब ऐसा हुआ है कि कल के अगर पूरा लॉकडाउन हो गया पहले जैसा तो पब्लिक क्या करेगी। हाँ, पिछली बार जो पब्लिक भाग के गई थी बहुत तकलीफ में गई थी। यहाँ बता दें, पिछले साल लगाए गए अचानक लॉकडाउन से लोग सबक ले रहे हैं। अब मजदूर किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं।